ओके स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ चैप्टर 7 सर्कल प्रॉब्लम सेट 30 इन द टेबल बिलो नाउ सी बिफोर वी सॉल्व दिस सी वी हैव टू लर्न समथिंग विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक नाउ सी इन योर टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 44 दिस एग्जाम्पल दे हैव गिवन ये सर्कल को अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे देखो ये ड्राइंग है दिस ये इनसाइड पार्ट है फॉर एग्जांपल आपकी रोटी है चपाती ओके और चपाती पे ये ऑलिव्स हाँ पिज़्ज़ा के पीसेस रखे हुए एंड देन दिस आर द पॉइंट्स विच इज़ बॉर्डर ऑफ दिस सर्कल और ये थोड़े दूर दूर पॉइंट्स हुए सो इनको अकॉर्डिंग टू मैथ्स सेपरेट किया गया जो पॉइंट्स अंदर है दैट इज सेड टू बी इंटीरियर जो पॉइंट्स अंदर है दैट इज सेड टू बी इंटीरियर जो बाहर है सर्कल से दूर उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एक्स यानी बाहर हो गया एक्सटीरियर और जो सर्कल के बॉर्डर लाइन में है दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन सर्कल पे ऑन द सर्कल सो योर they have asked us sums so in problem set 30 they have asked us that see this diagram and write the names now points in the interior of this circle so ye wale diagram ke interior mein kaun se points hai so see y t r x so you will write simply y, comma t, comma r, comma x points in the interior. Now they have asked point in the exterior, यानी बाहर वाली points उनको चाहिए. So here outside points are w, m and z. So here we will write points in the exterior w, m, z. Then points on the circle so on the circle so ye n hua p hua only two points are there n and p so n comma p okay so this is a solution of this problem set 30